चाहता हूँ कि आज का जो ये वार्षिक समारोह है विराट भारत का, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संबोधन से ये लाभान्वित करें सभा को श्री MS बिट्टा जी। आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े पहलवान तैयार करके इस भारत का नाम ऊंचा किया और अभी तक उनका जो संकल्प था, उनकी जो सोच थी, वो अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अपने मिशन से, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सोशल वर्क में हो, किसी में हो, वो भटक जाते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी रूप पे अपने भारत माता का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने के लिए हमेशा खड़े और तैयार रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई साहब को बड़ा नमस्कार और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज विराट भारत जो पेपर है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बड़ी अच्छी, काफ़ी समय से इसकी शुरुआत की है। सवाल आज सबसे बड़ा ये है कि आज के राजनीतिक हालात के अंदर, आज के राजनीतिक गिरावट के हालात के अंदर, आतंकवाद को लेकर के, करप्शन को लेकर के, अपने स्वार्थों की तरफ जो इंसानियत जा रही है, यह हमें सबको सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले 15 साल के अंदर हमारा भारत कहाँ होगा, हमारे भारत की तस्वीर क्या होगी। सवाल ये नहीं है कि बड़ी सड़कें बन जाएं, मोबाइल फोन हाथ में आ जाएं, लैपटॉप हमारे हाथ में आ जाएं, हमारा भारत बन गया। नहीं, हमारे भारत के अंदर की जो स्थिति है, हमारे भारत के अंदर की जो एक संकल्प है, राजनीति के अंदर भारत माता की आजादी की रक्षा करना किसी ना किसी रूप के अंदर, क्या वो हम अपनी उस चीज को, उस दिशा को लेके उसको पूरा कर रहे हैं? यह सबसे बड़ी सोच है। आज आपने क्रिकेट का देखा होगा, कहां हमारे भाई साहब ने इतने इतने पहलवान तैयार किए, वरिंदर जी तैयार किए, कई पहलवान तैयार किए, बड़े बड़े योद्धे तैयार किए, क्योंकि इनका एक संकल्प, इनकी एक सोच कि मैं भारत माता का नाम ऊंचा करूंगा, ना कि मैं अपना नाम ऊंचा करूंगा। पर फिर भी हमारी सोच जब भी देखते हैं क्रिकेट की तरफ जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी करप्शन होने के बाद भी, बड़े बड़े नेताओं के हाथ में वो वागडोर आ गई, कंट्रोल आ गया, तमाशा बन के रह गई क्रिकेट का खेल, फिर भी हम उसकी तरफ जाते हैं। राजनीति में अगर चले जाते हैं, 18 साल का नौजवान घर से निकलता है, खद्दर पहनता है, पगड़ी का सिर्फ रंग बदलता है, पार्टी बदलता है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं पंजाबी में, हिंग लगे ना फटकड़ी, और 2 साल के अंदर वो 100 करोड़ का मालिक भी बन जाता है। राजनीति में प्रवेश क्यों करता है नौजवान? मैं कहता हूं कि राजनीति में आना चाहिए, पर राजनीति संकल्प की होनी चाहिए। राजनीति वो होनी चाहिए जो शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जो एक राजनीति थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो एक राजनीति थी। राजनीति व्यापार के अड्डे बन के रह गई और राजनीतिक ही लोग इस देश को चलाते हैं। आपने कभी सोचा कि हमको चलाने वाले ही राजनीतिक हैं, उनके अंदर सोच कैसी है? अखबारों के अंदर, खास तौर पे टेलीविजन के अंदर, रात को आप जरूर डिस्कशनें देखते होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तू तू मैं मैं, तू तू मैं मैं, उसका प्रोग्राम का नाम होता है बकवास, उसी में खत्म हो जाता है। लोग दबे हुए हैं मलबों में,
परिवारों के लोग, किसी की मां नहीं मिल रही, किसी का पिता नहीं मिल रहा, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा, किसी के भाई की किसी की बहन नहीं मिल रही, अपनी अपनी सोच में डूबे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। अरे अगर राशन सामग्री बेचनी है तो दिखावा करने की जरूरत हमें क्या है? दिल से कहो कि हम ये करेंगे, संकल्प लो ये कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। हर चीज में फोटो होगी, हर चीज में टेलीविजन के अंदर आएंगे। कहां देश जा रहा है? अभी दो दिन तीन दिन पहले मैं अमृतसर के पास किसी फंक्शन में बैठा था, रात को दो एमएलए आए बैठे, फिर एक एमपी आया बैठा, फिर दो एमएलए आए बैठे, कोई शर्म नहीं। वेटर आया, उसने दारू डाली गिलास में, मजे से पकड़ी हुई, खद्दर पहना हुआ। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, समाज सामने है, लोग हमें देख रहे हैं। हम ये भूल गए कि हम लोगों के आदर्श हैं, हम स्टूडेंट के आदर्श हैं, हम इन चीजों को भूल गए। हम गिलास पकड़ के दारू पी रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है? चार साल बाद इलेक्शन है, उसको टिकट मिलेगी, उसके कटेगी, वो अच्छा है वो बुरा है, उसने ये किया उसने, देश कहां गया, भारत कहां गया? और उन्हीं लोगों के हाथ में हमारा देश है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न, एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक जगह पे चले गए आगे, राजनीतिक लोगों के पास बैठे, आधा घंटा मुलाकात हुई, फिर वही बात, टिकट कटेगी, टिकट आएगी, वो जीतेगा, वो मंत्री बनेगा, वो नहीं बनेगा उसको हटा देंगे, चर्चा खत्म। और उन्हीं लोगों के हाथ में हमारा देश जा रहा है, वही कल को मिनिस्टर बनेंगे, वही कल को एमपी बनेंगे। तो कभी ये सोच के देखो, आप एक भारत हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करो, सरदार पटेल को याद करो जिन्होंने रियासतों को तोड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करो जिन्होंने शहादत दे दी, आतंकवाद को समाप्त किया। आज वो लीडरशिप कहां है? हर आदमी राजनीति में जल्दी से जल्दी प्रवेश कर रहा है, और मुझे लगता है 25 साल के अंदर ना हिंदुस्तान के अंदर को कारोबार रहेगा, ना व्यापार रहेगा। हर आदमी कहेगा कुर्ता पजामा पहनूं, मांडी लगाऊं और राजनीति में आ जाऊं, को काम धंधा करने की जरूरत है। यहां इस देश का नाम ही एक दिन राजनीति हो जाएगा, कारोबार रहेगा ही नहीं। आसान तरीका, आप मेहनत करते हैं, कोई पत्रकार है सुबह निकलता है, शाम को लिखता है, मेहनत करता है, उसको मिलके फिर स्टोरी बना के फिर अखबार बनाता है। कोई सरकारी मुलाजम है, वो सुबह शाम फाइलों में लगा रहता है, फिर अपने बच्चों की रोटी करता है। ये सुरक्षा जवान है, ये भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हैं, बंदूक उठा के ये अपने मिशन में काम करते हैं, फिर इनको एक महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, फिर ये बच्चों को पढ़ाएंगे। और पता नहीं वो एजुकेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जो एजुकेशन इनके बच्चों को मिलनी चाहिए। इनका बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इनका बच्चा आईपीएस बनना चाहिए, इसका बच्चा आईएएस बनना चाहिए, इसका बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, ये नहीं दे पाएंगे। कारण, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है। पर एक व्यक्ति राजनीति में आता है, ना कारोबार ना कुछ, माफिया, बिल्डर माफिया, और राजनीति में प्रवेश करके कहीं ना कहीं कुछ भी कर लेता है। तो कितना बड़ा छोटे और बड़े आदमी में फासला आ गया, गरीबी और अमीरी के अंदर कितना बड़ा फासला आ गया, कभी आपने सोचा? एक गाड़ी जा रही है, चौक पे देखेंगे कोई आपसे पैसे मांगने आ जाएगा, वो पैसे दे देगा, कोई उसको रोटी दे देगा, वो वहीं सड़क पे सो जाएगा, उसको शर्म नहीं है, वो कहता मैं तो ऐसे ही रहूंगा। उसके बाद एक गरीब आता है, गरीब को फिर किसी से मांगने में शर्म आती है, फिर मीडियम क्लास आती है, मीडियम क्लास में चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गमों में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि समाज में उसको रहना है। अमीरी और गरीबी के अंदर इतना बड़ा फासला आता जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं तो टनाटन घोटाले ही होते जा रहे हैं। अरे 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, हजारों ही करोड़, अरे कहां ले जाओगे पैसा? अंग्रेजों के हम गुलाम रहे और अंग्रेजों ने जुल्म किए, पर अंग्रेज एक बार हिंदुस्तान को लूट के चले गए, हमारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को इकट्ठा कर गए, हमें राष्ट्रपति भवन दे गए, हमें चलना सिखा गए, हमें कुर्बानी जरूर देनी पड़ी,
पर हमारे राष्ट्र को इकट्ठा करके एक बार लूट के चले गए। पर हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन, हिंदुस्तान के कई ब्यूरोक्रेट लूट लूट के सब विदेशों में लेके जा रहे, जो वापस आने वाला मेरे भैया नहीं है। आपका माल सब लूट के जा रहा, वापस नहीं आएगा। वो भगत सिंह जी ने सही कहा था, पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभाल, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, सब कुछ माल लुटता जा रहा है और आपके पास कुछ नहीं है। और याद रखना, एक दिन वो वक्त जरूर आएगा, सब छोड़ के आपको यहाँ से चले जाएंगे, प्लेन में चढ़ते कहेंगे टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। हिंदुस्तान का इतना माल लूट के विदेशों में जा चुका है। राजनीति एक तमाशा बन के रह गई, राजनीति एक व्यापार का अड्डा बन के रह गई, राजनीति टेलीविजन के अंदर एक मॉडलिंग का रूप धारण कर गई। आजकल आपने रात को नेता देखे होंगे, पहले भी नेता देखते थे, कोई भी जैकेट पहन ली चले गए, आज जैकेटें भी बड़ी अच्छी पहनते हैं, प्रेस करते हैं, और रात को बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं अपनी कोठियों के अंदर मेकअप लगा के कि अभी टेलीविजन स्टार न्यूज आने वाला है, अभी आज तक आने वाला है। धंधा मुफ्त का धंधा, किसी के घर के छत में पानी की नाला निकल रहा है बरसात के कारण, उसके भी जो ठेकेदार बन जाते हैं, वहां लाशें बिछी हुई हैं, बहनों के सुहाग कई उजड़ गए, बच्चे कई यतीम हो गए, अभी भी फंसे हुए हैं, उस पर भी राजनीति हो रही है। कितने बड़े दुख की बात है, कौन संभालेगा इसको, जो सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल है। आएंगे हम बोल के चले जाएंगे, सवाल है इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। हर चीज एक दिखावा बन के रह गई, हर चीज जो एक दिखावा होती है वो देश लंबा सफर तय नहीं करता। कहां है आज स्वामी रामदेव? वंदे मातरम बोलते बोलते स्टेज से छाल मार के चले गए, भगत सिंह का नाम लेते लेते, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते लेते पुलिस से डर के छाल मार के भाग गए। वो स्वामी रामदेव आज कहां है? हरिद्वार के अंदर देखा, आजाद विचारधारा कहने की हिम्मत रखता हूं कि आज देखा स्वामी रामदेव का? कहां है आश्रम, कहां है उसका लंगर, कहां है उसकी दवाइयां जो इतनी महंगी बिकती है? क्या किसी गरीब को देने के लिए गया? क्या आप में से किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की? क्या मीडिया ने उसको पूछा कि स्वामी रामदेव जी आप इन लोगों की क्या मदद करोगे? वो कहता नहीं, इसके लिए सोचेंगे, हम मदद करेंगे। अरे मदद क्या करेंगे, कह दो हम 15 करोड़ देंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या? एक फोन करेंगे विदेशों से आपको माल आ जाएगा, आप लोगों को दे दीजिए। ना, हम माल बेचेंगे, हम अपना ब्रांड बेचेंगे, हम वंदे मातरम का नारा देंगे, जब वक्त आएगा आपको छोड़ के भी भाग जाएंगे। ये हमारे देश की हालत है। एक तो खद्दर में तो चोल था, चोले में भी चोर आ गए। मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूं, सवाल सबसे बड़ा ये, लोगों को कितनी देर तक बेवकूफ बनाया जाएगा? आप आंदोलन करते हो, आंदोलन करते हो तो आंदोलन में बैठे रहो। अगर हिंदुस्तान की जनता के साथ आंदोलन का कह दिया हम यही मरेंगे, यही कुर्बानी देंगे जब तक करप्शन खत्म नहीं होती, तो आपको जब भूख लगती है, जब देखते हैं कि मौत सामने है, तो किसी को कहते जूस ले या फिर कहते वंदे मातरम करके जूस पी जाते। क्या यह देश के लोगों के साथ धोखा नहीं है? देश के साथ खिलवाड़ नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खान, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब आप लोगों के लिए आजादी के लिए जाते थे, आने वाली जनरेशन के लिए आजादी के लिए जाते थे, तो मौत का कफन बांध के जाते थे, और जब मौत आने वाली होती थी, फांसी का रास्ता सामने होता था, तो कहते थे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, फांसी का रास्ता खींचता था और शहादत देते, वो थे देशभक्त। आज उनकी पीछे तस्वीरें लगा के ये लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाते, देश की जनता को बेवकूफ बनाते। अन्ना हजारे बहुत अच्छे होंगे मैं मानता हूं, अन्ना हजारे में शराफत होगी मैं मानता हूं, पर याद रखना, हिंदुस्तान की जनता ने लाल बहादुर शास्त्री के बाद, सरदार पटेल के बाद, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया था तो वो अन्ना हजारे के ऊपर विश्वास किया था। देश का हर व्यक्ति, देश का हर नौजवान, मेरे जैसा आदमी, चाहे मैं कांग्रेस में हूं, मैं भी शहर घर के अंदर उसके आंदोलन में शामिल था कि हिंदुस्तान के अंदर करप्शन खत्म होनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर एक नई आजादी आनी चाहिए। हर आदमी उनके काफिले में चल पड़ा। जब कह दिया था कि कुर्बानी दूंगा तो फिर कुर्बानी दे देते। क्या हमने शरीर पे बम नहीं खाए? क्या कई बार हजारों बार बम गोलियां खा चुके, शरीर छाननी है? क्या हमारे जवानों ने कुर्बानी हमारे साथ नहीं दी? क्या क्या इंदिरा जी ने, राजीव जी ने कुर्बानी नहीं दी? क्या क्या सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर ने कुर्बानी नहीं दी? क्या दे देते कुर्बानी, शायद देश का इतिहास बदल जाता? ना, भूख लगी है, मौत सामने है,
ना भाई ना, जूस पिलाओ जल्दी, वंदे मातरम वंदे मातरम। अब आंदोलन में लोग साथ हैं, वही लोग छोड़ के चले गए ना, लोगों ने कहा आपने हमसे धोखा किया है। स्वामी अग्नि बेच ले लो, चोले के कपड़े पहने हुए, हम कहते वाह महान संत, भोले शंकर को मानने वाले, भारत माता की आजादी की रक्षा करने वाले, स्वामी विवेकानंद के शिष्य। कहां स्वामी विवेकानंद, एक आदर्श, एक सोच, एक भगत सिंह के गुरु, राजगुरु, सुखदेव के गुरु, चंद्रशेखर आजाद के गुरु, उसकी सोच का व्यक्ति। क्या कहता है कश्मीर में जाके आतंकवादियों को मिलने के बाद, कहता है ये जो अमरनाथ का मंदिर है ये तो शिवलिंग बर्फ का टुकड़ा है, उन लोगों को खुश करने के लिए, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक ये बर्फ का टुकड़ा है। और जो आतंकवादी हमारे रोज जवानों को, 70-70 जवानों को मार देते हैं, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर रात को माया 35 के करीब हमारे कांग्रेस के नेता मार दिए, काफले में मार दिए, उनको जाके मिलके कहता है जंगल में हाथ मिला के लाल सलाम। रोज टेलीविजन पे आते हैं, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, आतंकवादियों की भी मदद करो, एनजीओ बना के माल भी कमाओ, विदेशों से पैसा मंगाओ और पब्लिसिटी भी करो। ये धंधा लोगों का बन गया। कहां कहां बोला जाए, कहां कहां किस मुद्दे पे बोला जाए, इस हिंदुस्तान को बचाना होगा, मीडिया के जरिए ही बचाना होगा, मीडिया को ही आवाज उठानी होगी, सच्चाई के ऊपर चलना होगा। अगर मीडिया सच्चाई पे चलेगा जरूर यह भारत बचेगा, अगर मीडिया सच्चाई पे ना चला तो यह भारत बचने वाला नहीं, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, जो हालात में भारत जा चुका है। हमें संकल्प लेना होगा, हमें अपने स्वार्थों को छोड़ना होगा, हमें मौत का कफन बांधना होगा, जहां कुर्बानी देनी है वहां कुर्बानी देनी होगी, फिर जाके ये देश बचेगा। ये लिफाफे, ये हवाबाजियां, ये प्रेस में पब्लिसिटी, ये कितनी देर तक ये सिस्टम चलता रहेगा, दिखावे कितनी देर तक चलते रहेंगे। जो काम करना है ऐसा काम करो किसी को पता ना चले वो काम होता है, वो काम नहीं होता कि अगर सामान भेजना है तो उसको 20 अखबारों में आना चाहिए। मैं कोई दिल्ली का सरदार जी देख रहा था, रोज अखबार में आ रहा है, मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया, मैंने अपना जहाज भेज दिया, पता नहीं कौन सी कंपनी का हेलीकॉप्टर उसके पास है या जहाज है या नहीं है, रोज ही अखबार में छोटी सी फोटो, मैंने अरे यार करना है तो भेज दे ना, रोज रोज अखबारों में दिखाने से क्या मिलेगा आपको। अखबारों में वो चीज होती है जो कुदरती दिखाई जाए। हम भी फंक्शन करते हैं, हम कई बार ऐसी चीजें इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक शहीद अगर हुआ है हम उसको कोई मदद कर रहे हैं तो हमको देख के और करे। हर चीज के ऊपर हमें सोचना होगा। और जो मीडिया है, मीडिया का रोल एक ऐसा है, आज मीडिया ने ही इस देश को बचा के रखा है, इतने घोटाले इतने सिस्टम के ऊपर जो मीडिया ने बहुत ज्यादा लोगों को दिखाया, अवेयरनेस पैदा की है, इसलिए मीडिया को ही आना पड़ेगा आगे कि इस देश की आने वाले वक्त के अंदर आजादी की रक्षा कैसे की जाए, इस देश को कैसे बचाया जाए और राजनीति कैसे होनी चाहिए आने वाले वक्त के अंदर, उसके ऊपर विचार किया जाए। राजनीति के ऊपर हमें बहुत अब चर्चा करने की जरूरत है। अंग्रेजों से आजादी मिल गई, पंजाब में आतंकवादियों से आजादी मिल गई, अब हिंदुस्तान अगर है तो आज राजनीति गुलामी के अंदर जूझ रहा है, राजनीति का गुलाम है हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। सरकारें बनती हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव डालती हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके मुताबिक चलती हैं और अपनी मर्जी से काम कराती हैं, इसको क्या कहोगे आजादी है? आजादी वो है जो आम आदमी को इंसाफ मिले। शहीद आजम भगत सिंह समाजवाद का नारा देते थे, क्यों देते थे? कि आजादी के बाद छोटे और बड़े में फर्क ना रहे, आम आदमी को इंसाफ मिले। ये मतलब नहीं अगर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है उसी का ही काम होगा और आम आदमी का काम नहीं होगा। हमें इस राजनीति गुलामी से कैसे निकलना है इसके ऊपर हमें बड़ा संघर्ष करने की जरूरत है, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और विराट भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। अभी आप श्री MS बिट्टा जी के संबोधन में सभी आह्लादित हो रहे थे।